नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ओम का नियम यानी ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम का प्रतिपादन किसने किया और कब किया। तो सबसे पहले अपन जानते हैं जर्मन वैज्ञानिक ओम के द्वारा ओम के नियम का प्रतिपादन सन 1826 में किया गया था। यह नियम धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के मध्य एक संबंध को दर्शाता है। सरल भाषा में अपन देखेंगे भाई ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम है कि वोल्टेज और धारा और प्रतिरोध के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया है, जिसे ही ओम का नियम नाम दिया गया है। तो सबसे पहले अपन कुछ पढ़ें तो अपन देखेंगे कि विद्युत में जो अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसके अंदर वोल्टेज व धारा व रेजिस्टेंस के मध्य आपस एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जिसको सबसे पहले वैज्ञानिक ओम ने बताया था और ओम के द्वारा इसी अपने नाम के कारण इस नियम का नाम ओम का नियम पड़ गया था। आगे अपन देखेंगे कि किसी सर्किट में चालक के दोनों सिरों के मध्य वोल्टेज उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य स्थिर एक संबंध होता है या एक स्थिर अनुपात पाया जाता है। यानी कोई भी बंद परिपथ है, सर्किट होना चाहिए जिसके अंदर धारा का प्रवाह हो सके या हो रहा हो, उसके अंदर अगर दोनों दो सिरों के मध्य का वोल्टेज और उसके मध्य प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है, और निश्चित अनुपात ऐसा होगा अगर धारा का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का भी मान बढ़ता है, और वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा, दोनों का अनुपात समान होएगा। और जब तापमान होना चाहिए इस स्थिति के समान। देखो इस डायग्राम के अनुसार अपन समझना चाहें तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, यानी V का मान अपन देखेंगे तो V बराबर हो जाएगा अपना आई आर। सबसे पहले ओम ने यह बताया था कि V बराबर होता है I, V समानुपाती I, लेकिन समानुपाती का जब इन्होंने निशान हटाएंगे तो आपको पता है एक स्थिरांक लिया जाता है, और स्थिरांक अपन ने स्थिरांक के रूप में अपन ने R प्रतिरोध रेजिस्टेंस लिया था, तो अपनी फॉर्मूला या अपना जो सूत्र था वो बन गया V बराबर I इंटू आर। ये जो अपन डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम के अनुसार आसानी से समझ सकते हैं, ये ट्रायंगल ही पूर्ण रूप से ओम के नियम को सत्यापित करता है। आगे देखते हैं अपन एक ओम के नियम में एक छोटा सा अनुप्रयोग करेंगे, जिसमें अपन लेंगे भी एक चालक के दोनों सिरों पर एक वोल्ट का वोल्टेज दिया जाता है तथा उनमें एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक में रेजिस्टेंस का भी मान कितना आएगा अपने एक ओम आएगा, क्योंकि ओम का नियम अपन को पता है कि वोल्टेज बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध। जब अपन वोल्टेज का मान एक रखेंगे और प्रतिरोध का मान एक रखेंगे, धारा का मान भी एक रखेंगे, जब इसे सोल्व करेंगे तो दोनों तरफ आपको मान पता है कि एक एक आपको प्राप्त होगा। आगे अपन देखेंगे भी एक फॉर्मूले के द्वारा अपन तीनों राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इसके तीन सूत्र बनते हैं, इन तीनों में से किन्हीं दो का मान ज्ञात हो तो अपन तीसरी अज्ञात राशि का मान उपरोक्त सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आपको V का मान ज्ञात करना है तो आपके पास में I और R होना चाहिए। दूसरे ट्रेंगल में अपन चलते हैं तो उसमें अगर आपको I का मान ज्ञात करना है तो V और R का मान होना चाहिए। तीसरे ट्रेंगल में चलते हैं तो अपन R का मान ज्ञात करने के लिए I और धारा और वोल्टेज का मान प्राप्त होना चाहिए। जैसे अगर आपको V का मान ज्ञात करना है तो I इंटू R, I का मान ज्ञात करना है तो V अपॉन R, और R का मान ज्ञात करना होगा तो अपन V अपॉन I, इस तरीके से अपन आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से अपन ने इस वीडियो में देखा भी ओम का नियम क्या होता है। तो अपन दोबारा रिवीजन करें तो ओम का नियम यानी किसी भी डीसी बंद परिपथ में प्रवाहित वोल्टेज का मान धारा के समानुपाती होता है, और ओम ने इस नियम का प्रतिपादन 1826 के अंदर किया गया था। विद्यार्थियों, इस तरीके से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।